Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT virtual classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Nelson Mandela long walk to freedom. Ab ye jo excerpt hai, ek part hai unki autobiography ka, atmakatha, uska ek यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से जो है उन्होंने 1994 में जो है फ्रीडम दिलाई थी अपने देश को, और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो कहाँ पे सेलिब्रेट करी की जा रही है, प्रिटोरिया में, और वहाँ पे जो है अप्रोक्स जो है 144 देशों के जो है कंट्रीज के जो है लीडर्स जो है बड़े बड़े लीडर्स जो है वहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, और किस तरह से वहाँ पे सेलिब्रेट उसको यहाँ पे जो है अपने ऑटोबायोग्राफी में से उसको जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से पहली बार ये फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका की सॉइल में जो है फर्स्ट टाइम इतने इंटरनेशनल लीडर्स जो है वहां पे गैदर्ड हुए हैं. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, इससे पहले किनका रूल था, व्हाइट रूल्स था, और किस तरह से वो जो है उनके कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, एपार्थिट था, रंगभेदी नीति जो चल रही थी वहां पे. तो फर्स्ट टाइम जो है आफ्टर 10 ईयर्स जो है दशकों के बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, कौन बने थे, ब्लैक राष्ट्रपति, ब्लैक प्रेसिडेंट, और कौन थे वो, नेल्सन मंडेला. और 30 ईयर्स इन्होंने जो अपने प्रीशियस लाइफ के जो थे कहाँ पे स्पेंड करे थे, प्रिजन में, जेल में. और उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन करा था, इनकी जो पार्टी थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी, क्या नाम पार्टी का था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे तो किस तरह से उनकी जीत हुई थी, 400 में से 252 अप्रोक्स जो है इनको वोट मिले थे, और फर्स्ट टाइम जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने. तो इधर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों आज आप बहुत दिनों बाद जो है स्कूल आए हैं, तो अच्छा लग रहा होगा आपको. तो प्लीज फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, और सारे बच्चे ध्यान से सुने, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है. तो यहाँ पे जो है ऑथर के बारे में, क्योंकि ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो, व्हाट आई मीन बाय ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक एक्सर्प्ट, मतलब छोटा सा पार्ट लिया है, जिसमें उन्होंने जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी जो वहां पे सेलिब्रेट करी जा रही थी, कहाँ पे, प्रिटोरिया में, ठीक है. और वहां पे जो है एक एम्पी थिएटर था, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, एम्पी थिएटर किसको बोलते हैं, एक स्टेडियम थिएटर होता है और जो विदाउट रूफ, जिसमें छत नहीं होती है, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर, थिएटर विदाउट रूफ, जिसमें छत नहीं होती है. एक वहां पे जो है अप्रोच जो है सारे वर्ल्ड के जो है लीडर्स जो थे, इंटरनेशनल लीडर्स जो है वहां पे इकट्ठे हुए थे, गैदर्ड हुए थे. तो यहाँ पे दिस इज अबाउट द, किसके बारे में है ये, नेल्सन मंडेला, और उनका लाइफ जर्नी कहाँ से कहां तक थी, ये मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द लाइफ जर्नी 1918 टू 2013. तो किस तरह से वो वहां पे साउथ अफ्रीका में 18 जुलाई को बॉन्ड हुए थे, और जैसे बुक में लिखा हुआ है अप्रोक्स जो है 30 इयर्स जो है उन्होंने प्रिजन में बिताए थे 1962 टू 1994, ट्राइंग टू पुट एन एंड प्रो एपार्थिट, जो उनके यहाँ पे जो है इतने सालों से, अब 30 इयर्स जो है उन्होंने अपनी इतनी प्रीशियस जो लाइफ की जो डे से कहाँ पे बिताए, प्रिजन में बिताए, स्ट्रगल करा, क्यों करा, अपने देश को जो है क्या दिलाने के लिए, फ्रीडम, आजादी दिखाने के लिए. जैसे गांधी जी ने जो है हमको जो है इंडिया को क्या है, आजादी दिलाने के लिए जो है कितना स्ट्रगल करा था, और उन्होंने ही नहीं करा था, उनकी जनता ने भी करा था साथ में उनका साथ. सिमिलरली यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला ने जो है किस तरह से जो है क्या हो रही थी, रंगभेदी नीति, अपार्थिट जो है, किस तरह से जो है व्हाइट ने जो है वहां पे रूल करा हुआ था, और उनको जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा यातनाएं दे रही थी, इनह्यूमन थे सब. तो 4 इयर्स आफ्टर बींग, और उसके बाद जब वो रिलीज हुए थे, तो पहली बारी जो है वहां पे डेमोक्रेटिक क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, और उसमें जो है इनकी जीत हुई थी, और ये एक जो है वर्ल्ड वाइड हीरो थे. दिस इज ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला. अब यहाँ पे थीम ऑफ द स्टोरी, अब ये पूरा ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ आपको, कि जिन बच्चों का छूट गया है या मिस हो गया है तो वो प्लीज फोकस करें. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला. जैसे अभी मैंने फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू, दिस इज द पार्ट ऑफ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. दिस चैप्टर कवर्स हिज थॉट्स ऑन इंडिपेंडेंस.
यहाँ पे उनके विचार जो थे फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ, और यहाँ पे इनॉग्रेशन जो सेरेमनी सेलिब्रेट करी थी उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब करा है. इट हैड बीन ए फैंटास्टिक डे फॉर हिम. क्यों था फैंटास्टिक डे? क्योंकि इतने सालों तक जो है वो वाइट रूल्स के अंडर में जो है काम कर रहे थे, तो आज का दिन है जब उनको क्या मिली थी, फ्रीडम. इट हैड ही बिकेम द फर्स्ट, और ये जो है ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, आफ्टर द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन प्रिटोरिया द इनॉग्रेशन. और इनॉग्रेशन कहां था, ये क्वेश्चन आएंगे आगे, इसीलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे. इन प्रिटोरिया द इनॉग्रेशन इवेंट took place in a large and open structure. Open structure में जो मैं अभी बताया था, एक एम्पीथिएटर था, थिएटर विदाउट रूफ, वहां पे जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा था. अफ्रीका's first democratic, अब ये पहली जो democratic थी, non-racial government थी, as well as dignitaries from around the world, पूरी वर्ल्ड से जो है बड़े बड़े जो है इंटरनेशनल जो है लीडर्स जो है यहाँ पे सेरेमनी को देखने के लिए आ रहे थे. Mandela talked about his feelings for freedom. He stated that he could not be free until everyone who resembled him was free. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैं तो तब फ्री होऊंगा जब मेरे देश के जो हैं जितने लोग जो हैं वो जुड़े हैं इससे, वो जब फ्री होंगे तब मैं जो हूँ फ्रीडम मेरे को मिलेगी. तो यहाँ पे जो है चैप्टर स्टार्ट है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, खाली एक मैं शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको. और इससे पहले कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, नेल्सन मंडेला, आप लोग याद कर ली इसको, ठीक है, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. कि जब 3 centuries तक जो है किन्होंने रूल करा हुआ था, व्हाइट रूल्स ने करा था, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम था ये, नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम था ANC. पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट, 400 सीट में से फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला को कितने वोट मिले थे, 252. इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, इंडिया भी क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो है इनकी पार्टी को जो है 252 वोट पड़े मिले थे आउट ऑफ 400. द इनॉग्रेशन सेरेमनी, अब ये क्वेश्चन आएगा कि सेरेमनी जो है कहाँ जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, तो प्रिटोरिया में कर रहे थे ये. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर. अब समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फी थिएटर, द थिएटर विदाउट रूफ इन प्रिटोरिया टूडे, अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस भी आ रहे थे उसमें, सारे पॉलिटिशियन हो गए, डिग्नेटरीज हो गए फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज. कितने कंट्रीज से लोग आ रहे थे, 140, क्योंकि इतने सालों के बाद जब व्हाइट रूल्स हो रहा था वहां पे, तो फर्स्ट टाइम जो है वहां पे जो है ये सेरेमनी हो रही थी, ठीक है, प्रिटोरिया में हो रही थी. और बिल्डिंग का नाम क्या था, यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, और 140 देश के लोग आ रहे थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. डुप्लीकेट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टूगेदर मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. और सारे लोग, क्योंकि अब तक तो जो है वो व्हाइट रूल्स के अंदर जो है वर्क कर रहे थे, तो अब जो है फ्रीडम, एक जो है उनको आज फ्रीडम मिल गई थी. तो अपने देश में पहले कैसे रह रहे थे, वो रूल्स किसी के अंडर, हमें किसी के अंडर में हम रह रहे होंगे, तो ऑब्वियस है जो वो कहेगा वही करेंगे. बट दिस टाइम क्या है, उनको फ्रीडम मिल गई है और वो जो है बहुत ज्यादा खुश हैं, सब जो है स्ट्रीट में आ गए. तो ये है 10th May डॉन, ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की बात है, जबकि जो है सुबह का टाइम था, बहुत ब्राइट था, क्लियर था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा मैं पढ़ा रही हूँ. बीसीज माने सराउंडेड, मतलब पूरा जो है उनकी जो धरती थी, जो अफ्रीकन लैंड था, अफ्रीकन की जो सॉइल थी, सराउंडेड, बीसीज में सराउंडेड,
कवर्ड बाय किससे थी, डिग्नेटरी से थी, जो बड़े बड़े जो लोग आए हुए थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए जो वहां पे इकट्ठे हो रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, जो वहां पे सेलिब्रेट करा जा रहा था, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट। और फर्स्ट टाइम, इसको ध्यान से देखिए कि फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका की सॉइल में जो है इतने सारे लोग जो है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहां पे गैदर्ड हो रहे थे। तो यहाँ पे हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, गैदरिंग में इकट्ठा होना बहुत सारे लोग जो होते हैं एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीकन सॉइल में फर्स्ट टाइम जो है इतने सारे लोग जो है इकट्ठे हुए थे, इससे पहले कोई नहीं आया था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन पत्थर का बना था जो एम्फी थिएटर था, जैसे अभी मैंने बताया था एम्फी थिएटर में थिएटर विदाउट रूफ, जिसकी छत नहीं होती है, किसका बना था, कौन सी स्टोन का बना हुआ था, रॉक का बना हुआ था, सैंडस्टोन फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये बिल्डिंग कहाँ थी, यूनियन बिल्डिंग थी, कहाँ पे थी, प्रिटोरिया में थी। अभी एक क्वेश्चन आपको आएगा, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। किसी बच्चे को पता है कि इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि इसकी बनी हुई है, सैंडस्टोन की बनी है? तो आप सोचें ये कि कौन, अगर आपको याद है, अगर आपके माइंड में है कोई बिल्डिंग ऐसी है जो सैंडस्टोन की बनी है, तो आप जो है उसको बताएं। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, कि कोई इंडिया में ऐसी बिल्डिंग है जो किसकी बनी हुई, सैंडस्टोन की बनी है, ठीक है। फॉर डिकेड्स, दिस फॉर डिकेड, डिके मीन्स दशक, ठीक है। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, और दस कितना पीरियड ऑफ टैनियर्स, डिके मीन्स पीरियड्स ऑफ टैनियर, पीरियड्स ऑफ टैनियर, दस किसका राज था वहां पे, व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट रूल्स करते थे, व्हाइट पीपल वहां पे रूल करते थे, फॉर्म बाय द, और अभी क्या था, व्हाइट सुप्रीमेसी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग, और अब अभी तक कौन थे ब्लैक और व्हाइट, साउथ अफ्रीका में कौन से थे, ब्लैक थे, साउथ अफ्रीकन पीपल थे, और व्हाइट जो उनके ऊपर रूल कर रहे थे। और इस समय क्या होता है, व्हाट इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो, अब रेनबो को क्यों बोला, क्योंकि रेनबो क्या, कलरफुल, सेवन कलर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा इस समय जो है क्या है, नाउ इट वॉज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट। क्योंकि इस समय जो है अफ्रीका की धरती पे जो है डिफरेंट कलर्स के जो है, डिफरेंट कलर्स क्यों बोला है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है दे गैदर्ड हियर इन द सॉइल ऑफ द साउथ अफ्रीका टू पे रिस्पेक्ट टू नॉन रेसियल गवर्नमेंट को जो है अपना पे रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है गैदर्ड हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड, आई किसके लिए बोला है, नेल्सन मंडेला, ही वॉज एकम्पनीड विद, किसके साथ कंप्लीट हुए थे, उनकी डॉटर, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर, जनानी, क्या नाम था, जिनानी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ऑन दैट लवली ऑटम ही वाज एकंपनीड विद हिज डॉटर नेम जिनानी ऑन द पोडियम। अब वो कह रहे पोडियम में कौन शपथ ले रहा था, सबसे पहले स्वर्ण में शपथ कौन ले रहा था, मिस्टर डी क्लब इन एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट जो है, सॉरी सेकेंड जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने शपथ ली थी। सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट कौन थे, थैबो मबेकी, वाज स्वॉर्न इन अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सेकंड कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, और फर्स्ट कौन थे, थैबो मबेकी। फर्स्ट प्रेसिडेंट
उन्होंने कहा, इन्होंने जो है स्वर्ण मतलब शपथ ली यहाँ पे, व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे, और मैंने क्या शपथ ली, आई प्लेस टू ओबे कि मैं जो हूँ ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट टू, और मैं पूरे अपनी जो है जो जनता है उसका क्या करूंगा, सम्मान करूंगा संविधान का, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, और जो हमारी प्रजातंत्र है एंड इट्स पीपल, और जो उसके लोग हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट, द वॉचिंग द वर्ल्ड, और पूरे जितने लोग वहां पे असेंबल्ड हो रखे थे, गैदर्ड हो रखे थे, और जो पूरा वर्ल्ड देख रहा था, आई सेड व्हाट ही सेड. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ, दिस फोटो ऑफ नेल्सन मंडेला. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप अ न्यू बॉर्न लिबर्टी. अब वो कह रहे कि इस समय क्या है कि हम जो है सब जो है क्या हो रहे हैं यहाँ पे, टूडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, इंटरनेशनल के लोग, इंटरनेशनल जो है लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, तो कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि अब जो है एक नया जो है हमारे उसमें जो है जन्म लिया है, ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. अब क्योंकि जो है क्या था, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे जो वाइट रूल्स करते थे, तो उनका क्या था वहां पे, बहुत ज्यादा ह्यूमन डिजास्टर, मतलब बहुत अत्याचार हो रहा था वहां पे, कहां पे, साउथ अफ्रीका की सॉइल में जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है मैं नवोदित जो है लिबर्टी, स्वतंत्रता, स्वतंत्र जो हमारा राज्य देश हुआ है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इट, और जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, क्या देखा कि वहां पे जो है ह्यूमन डिजास्टर हो रहा, अत्याचार हो रहा इतना ज्यादा, तो मैं उसका क्या करता हूँ, एक सम्मान, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी, बहुत दिन तक वो चलता रहा जो डिजास्टर था, ह्यूमन डिजास्टर, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, कि वो जो है एक नया जो है सोसाइटी जो है जन्म लेगी, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी जो हमारी मानव जाति जो है, मानवता जो है, वो क्या करेगी, विल बी प्राउड, क्या करेगी वो, उस पे प्राउड करेगी, किस पे प्राउड करेगी, कि जो हमने ग्लोरी जो है, हमने जो इतनी तकलीफें, इतना ह्यूमन डिजास्टर जो हमारे पीपल ने लिया है, साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो सहा है अत्याचार, उसको जो है आज जो है इतने सालों के बाद जो है मानवता उस पे क्या करेगी, जो हमने अचीव करा है, वी हु वर आउटलॉज Not so long ago, और जो कानून को मानने वाले हैं, क्या करते हैं, ठीक है, Not so long ago have today been given the more privilege. अब यहाँ पे जो है what do you mean by outlaws, legal rejection, कानून के अनुसार जो है, और privilege का मतलब क्या होता है, special right, और जो आज हमें जो है special right मिले, इससे पहले उनके पास कोई right नहीं थे. कि इतने सालों के बाद जो हमें प्रिविलेज मिला है, जो हमें राइट्स मिले हैं, टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, आज हमें अपनी सॉइल में, अपने अफ्रीका की सॉइल में फर्स्ट टाइम हमें जो है ये क्या मिला हुआ, एक जो पहले हमें अधिकार नहीं मिले थे, ठीक है, और आज जो है फर्स्ट टाइम हमें जो ये प्रिविलेज मिला है, टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर Own soil, we thank all our distinguished international. So what he said, उन्होंने क्या बोला कि मैं जो हूँ क्या करता हूँ, we thank all of our जितने भी हमारे leaders आए हैं, distinguished leaders आए हैं, international leaders आए हैं, guests आए हैं, for having come to take possession. Possession माने अधिकार होता है, with the people, कि हमारे people के, हमारे लोगों के साथ, of our country, of what is. After all, a common victory. और उन्होंने कहा ये एक क्या है, हमारी common victory है. Yes, हमारी मेरी victory नहीं है, ये मेरा जो है, this is a victory for peace, justice. किसकी है ये जीत, किसकी है? It is a common victory. It is a victory for justice, for peace, for human dignity. उन्होंने कहा ये जो जीत है वो मेरी नहीं है, ये किसकी जीत है? न्याय की जीत है, पीस की जीत है, शांति की जीत है, और किसकी है? मानव सम्मान की जीत है, ह्यूमन डिग्निटी की जीत है. किसने बोला ये? नेल्सन मंडेला. ही वाज अ वेरी जेंटलमैन, बहुत जेंटल थे, और उन्होंने सीधे बोला कि ये मेरी जीत नहीं है, मैंने स्ट्रगल नहीं करा, मेरे देश के सारे लोगों ने जो है मेरे साथ जो है कंपनी करी है और स्ट्रगल करा है, कितने लोगों ने जो है सेक्रीफाइस करी है अपने अपने देश के लिए. तो उन्होंने कहा कि इट इज अ कॉमन विक्ट्री.
इट इज अ कॉमन विक्ट्री। और विक्ट्री किसकी है? फॉर पीस, फॉर जस्टिस। तो ये याद है कि आगे एक क्वेश्चन आएगा इसी पे, तो नेल्सन मंडेला ने क्या बोला, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, फॉर जस्टिस। और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये किसकी जीत है? शांति की जीत है, न्याय की जीत है और मानव सम्मान की जीत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जस्टिस मीन्स न्याय, पीस मीन्स शांति, ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव सम्मान की जीत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट माई विक्ट्री, ये हम सब की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि आज हमने फ्रीडम, ठीक है, आज जो हमें फ्रीडम मिला है पॉलिटिकल, तो वो क्या है, एट लास्ट जो हमने अचीव कर लिया है फ्रीडम जो है हमें मिली है और आज हमने इसका अचीवमेंट कर लिया है। तो ये जो है हमारी क्या है, वी प्लेज आर सेल्स, और आज जो है हम सब शपथ लेते हैं। अब क्या शपथ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि ये शपथ लेते हैं कि हम जो है वी प्लेज आर सेल्फ, अपने आप लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर, की सबको जो है फ्रीडम दिलाते हैं, जितने हमारे अफ्रीका के जो लोग हैं उनको क्या दिलाते हैं, हम फ्रीडम दिलाते हैं। वी प्लेज आर सेल्फ कि हम अपने आप जो है एक शपथ लेते हैं, अपने आप प्रण लेते हैं कि अपने देश के लोगों को क्या करते हैं, हम फ्रीडम दिलाते हैं। किससे दिलाते हैं? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो हमारे लोगों की जो है गरीबी, किससे हम शपथ दिलाते हैं कि आज हम जो है अपने अपने देश के लोगों को किससे जो है निजात दिलाते हैं, किससे हम फ्रीडम दिलाते हैं उनको। तो उन्होंने क्या बोला है कि किस किस से, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन माने जो उनके साथ जो है भेदभाव हुआ है, उससे जो है हम उनको जो है क्या दिलाते हैं, फ्रीडम दिलाते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी हो गया, ठीक है, डेप्रिवेशन, सफरिंग, भेदभाव, सफरिंग माने परेशानी, जेंडर माने लिंग भेद, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन माने जो उनके साथ जो है भेदभाव होता है। नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और इस तरह की जो है क्या है डिस्क्रिमिनेशन जो है, नेवर नेवर नेवर, इसके बाद जो है हमारी जो है ब्यूटिफुल सॉइल में जो है साउथ अफ्रीका की सॉइल में है ये दोबारा रिपीट ना हो, ये आज हम क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, प्लेज करते हैं कि अपने देश के लोगों को, जितनी भी जनता जो है इतना जो है इतने सालों से जो है पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर, ये सारे पॉइंट्स याद कर लें, ये क्वेश्चन में आएगा, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, दोबारा ये हमारे जो है धरती पे ना हो, ये आज हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि एक कि क्या हो, ये हमारे जो है उत्पीड़न हो रहा है, डेप्रिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिवेशन, उत्पीड़न, परेशानी, लिंग भेद एंड अदर जो भेदभाव हो रहे हैं हमारी धरती में दोबारा कभी ना हो, ये हम ये शपथ लेते हैं। तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी, यहाँ पे मैं वैसे बता देती हूँ, गरीबी, उत्पीड़न, परेशानी, लिंग भेद और अदर जो भेदभाव होते हैं हमारे साथ, वो तो ये शपथ लेते हैं हम। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो आज हमने जो है क्या करा है, अचीवमेंट करा है, जो हमने आज पाया है, क्या पाया है उन्होंने, क्या अचीवमेंट लिया है, फ्रीडम फ्रॉम द व्हाइट रूल्स, जो हमारी व्हाइट रूल्स करते हैं, व्हाइट रूल्स कर रहे थे, उनसे जो आज हमें फ्रीडम मिला है, तो वो कह रहे हैं कि इस जो है ग्लोरियस मोमेंट को, ठीक है, जो और किसने करी है, ये मानव जाति ने, ह्यूमन ने जो अचीवमेंट करी है उसको जो है सूर्य भी कभी नहीं सेट ऑन माने छिपा सकता,
ठीक है, और जो ग्लोरियस मिला है हमें, जो आज इतने सालों के बाद जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, वो आज हमारा क्या हुआ, उसका एंड हुआ है। आज जो हमारे को ग्लोरियस मिली है, जो इतना जो हमें शानदार उपलब्धि मिली है, उसको जो है सन सन नेवर शैल नेवर सैट ऑन। लेट फ्रीडम राइन, राइन माने राज्य, स्वतंत्र राज्य, चलो कि आओ हम क्या करते हैं, स्वतंत्र राज्य करें, स्वतंत्र राज्य, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अपने देश को क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला ने इस जो है पूरी स्टैंजा में क्या बताया है कि किस तरह से जो है ह्यूमन डिजास्टर जो उनके देश में, उनकी धरती पे जो है सॉइल में कई सालों से जो है चला आ रहा था ह्यूमन डिजास्टर, वो उसका जो है आज अंत हुआ है। और जो, और उन्होंने लास्ट में क्या बोला, और आज हमें जो है प्रिविलेज मिला, आज हमें राइट मिले, स्पेशल राइट मिले हैं कि हम जो है वर्ल्ड के जो है बड़े बड़े जो है लीडर्स को जो है हम आज को क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं अपनी सॉइल में। सेकेंड थिंग उन्होंने बोले कि इट इज नॉट, क्या इट इज अ कॉमन विक्ट्री, उन्होंने कहा ये कॉमन विक्ट्री है, और कॉमन विक्ट्री किसकी है, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, फॉर कॉमन विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, न्याय की, शांति की, और किसकी भी है, मानव सम्मान की भी है। क्योंकि उन्होंने जो है इतने सालों से जो है यही चीजें जो है सफर करी हैं, अब किन किन चीजों को, और फिर वो लास्ट में कहते हैं इसी स्टैंजा में कि आज हम जो है वी प्लेज आवर सेल्फ, हम प्लेज लेते हैं टू लिबरेट, कि अपने जो जितने हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं या अपने देश के लोग हैं जो इतने सालों से जो है डिप्रेशन में थे, उनको जो है हम जिससे लिबरेट कराते हैं, स्वतंत्र कराते हैं। कौन कौन सी थी, कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ, क्या चल रहा था उनके देश में, वाइट रूल्स क्या कर रहे थे, एक तो उनकी गरीबी थी, पॉवर्टी थी, उत्पीड़न था, डेप्रिवेशन था, सफरिंग था, परेशानी थी, लिंग भेद था, और जो और भी कई भेदभाव जो है उनके यहाँ चले आ रहे थे। तो वो कहते हैं कि आज हम शपथ लेते हैं कि इन चीजों से अपने देश के लोगों को जो है फिर से ये दोबारा हमारी सॉइल में फिर से रिवाइव ना हो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इस ग्लोरियस जो हमारे देश को, जो हमारे मानव को जो है इतना ग्लोरियस शानदार जो उपलब्धि मिली है, उसको सन भी जो है द सन शैल नेवर सेट ऑन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब यहाँ पे बताया है कि वो जब वहां पे आए थे तो किसके साथ आए थे, अपनी डॉटर के साथ आए थे। फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, वो कह रहे कि थोड़ी देर बाद हमने अपनी आंख जैसे ही ऊपर उठाई, इन ओ एज ए स्पेक्टेकुलर अरे, अरे किसको बोलते हैं, टू कीप रेडी, तैयार रहना, तैयार होना, टू कीप रेडी। तो कहते हैं लिफ्टेड आवर आईज, जैसे कि हमने अपनी आंखें उठाई, इन ओ एज ए स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंथ्रोप कैरीज रोड, और वो जो है सब जो है क्या कर रहे थे, रोड करते इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जहां पे जो है ये इनॉग्रेशन हो रहा था वहां पे जो है सारे जो है साउथ अफ्रीका के क्या थे, रेडी थे, कौन कौन थे, अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एंट्रोप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जहां पे ये सारी मनी सेलिब्रेट की जा रही थी वहां पे जो है सब गैदर थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रोसेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और वो कह रहे कि ये जो है क्या था, एक डेमोन्स्ट्रेशन, किसका डेमोन्स्ट्रेशन था, उनकी जो फोर्स थी, मिलिट्री फोर्स थी, मिलिट्री और वफादारी जो थी टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और जो नई सरकार बनी थी, नॉन रेशियल जो है गवर्नमेंट बनी थी वहां पे, That had been freely and fairly elected, जो कि जो है एक fairly जो है elect हुई थी, एक non-racial government जो है first time वहाँ पे बनी थी, उनको जो है यहाँ पे एक ये demonstration नहीं था, एक उनकी क्या थी, loyalty थी, of loyalty to democracy. Only moments before the highest generals of the, और जितने जो है army के जो जितने बड़े बड़े जो थे higher जो है officers थे वहाँ के साउथ अफ्रीका अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जितने भी उनके आर्मी के डिफेंस फोर्स के जितने बड़े जनरल्स थे, एंड पुलिस, देयर चेस्ट बीट डेक, बीट डेक मीनिंग यहाँ पे जो है इनके सारे मेडल्स जो थे
क्या कह सकते हैं, बीडेग में अलंकृत हो रखे थे विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी। और आज वो क्या कर रहे थे, सब उनको सैल्यूट कर रहे थे। परंतु पहले क्या कर रहे थे, जब वो आज तो क्योंकि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, इससे पहले व्हाइट रूल था, तो उससे पहले वो उनको सैल्यूट भी नहीं करते थे। इवन उनको क्या करते थे, पकड़ के ले जा लेते थे क्योंकि व्हाइट रूल था। थे वही लोग अफ्रीकन के, साउथ अफ्रीका के, बट वो क्या करते थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। आज जो है अपना वफादारी जो है वो प्लेज कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, वॉज नॉट अनमाइंडफुल। और मुझे जो है ये अनमाइंडफुल नहीं लग रहा है, क्यों बोला उन्होंने ये, ऑफ द फैक्ट। अ फैक्ट क्या है, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, क्योंकि कई सालों पहले क्या हुआ था, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कई साल पहले की मैंने ये माइंड नहीं करा कि आज तो ये लोग जो है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं तो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे सल्यूट कर रहे हैं, अपना वफादारी दिखा रहे हैं। परंतु कुछ साल पहले इन्होंने क्या करा था कि मुझको क्या करते थे, सल्यूट नहीं करते थे, और इवन मेरे को क्या करते, अरेस्टेड मी, और मुझको क्या करते थे, अरेस्ट कर देते थे। ठीक है, फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा 15 अगस्त या 26 जनवरी में क्या होता है कि वहां पे जो है हमारे जेट्स भी क्या करते हैं, एक ट्रायल सा बनाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है उनके जेट्स ने क्या बनाया, एक स्मोक ट्रायल बनाया, और उसके कौन कौन से कलर्स थे, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड और न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और जो न्यू साउथ अफ्रीकन का जो फ्लैग था उसके ऊपर से एक क्या बनाया उन्होंने, ट्रेल बनाया सारे डिफरेंट कलर्स का, जैसे रेनबो के होते हैं ना कलर्स, वैसे डिफरेंट कलर्स के जो है यहाँ पे कलर्स आर गिवन, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब वो कह रहे हैं कि ये आज का दिन जो है क्या है कि दो जो है वहां पे क्या है, नेशनल एंथम कौन कौन से है, वो एक व्हाइट का है और एक किसका है, ब्लैक का। फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी साइक्लन आफ्रिका एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक कौन सा गाते हैं, डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। उनके प्रजातंत्र का क्या है, ये पुराना जो है कोई सॉन्ग है वही जो है उनका चला आ रहा था। तो वो कह रहे हैं आज का दिन मेरे लिए जो है दो राष्ट्रीय गानों को गाते हुए जो है जो संगीत है, तो एक तो है ब्लैक का और एक किसका है, व्हाइट का। तो दो एंथम जो है वहां की धरती पे जो है गाए गए। तो यहाँ पे दिखाया कि किसने खुश थे इतने सालों बाद जो है उनको जो है फ्रीडम मिली थी, तो किस तरह से वो अपने डॉटर के साथ जो असेंबली में आए थे और वहां के लोग भी जो है बहुत ज्यादा इस दिन को जो है एंजॉय कर रहे थे। नाउ इन द लास्ट डिके ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वो कह रहे 20वीं सदी, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि 20वीं सदी के लास्ट डिके में क्या है, एंड माई ओन एट डिके एज अ मैन, कि मेरे को भी जो है 80 साल का मैं भी जो हूं अब हो गया हूं, 8th डिके 80 ईयर्स हो गया, ठीक है, 1 डिके 10 ईयर्स का होता है तो 8 तो कितना हो गया 80 ईयर्स। That system had been overturned forever, और जो ये इनका सिस्टम जो चला आ रहा था वो क्या हो गया, उसका एंड हो गया, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। जो उनके उसमें क्या हो रहा था, देश में जो है white rules चल रहा था, apartheid चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, color स्किन कलर्स का चल रहा था, व्हाइट और ब्लैक का चल रहा था, वो आज कह रहे हैं कि उसको जो है आज रिप्लेस हो गया है, वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो स्किन के कलर के जो के लिए चल रहा था, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। और जो है अनइमेजिनेबल की हम सोच भी नहीं सकते जो सेक्रीफाइसेस, क्योंकि अगर देश हमारा भी जब देश आजाद हुआ था तो कई हमारे सोल्जर्स ने जो है सेक्रीफाइस किया था, और कितने सोल्जर्स ने तो करा था, और कितने लोगों ने जो हमारी जनता थी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था
टुवर्ड्स द नेशन। तो यहाँ पे भी ये उन्होंने कह रहे अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, जिनको जो आज हम जानते भी नहीं, देख भी नहीं पा रहे हैं, सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, बहुत थाउजेंड्स में जो है पीपल पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, कि हम उनके सेक्रीफाइस को काउंट नहीं कर सकते हैं और रिपेड भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो तो आज का दिन देखने के लिए भी शायद कई लोग जो हैं इस समय प्रेजेंट भी नहीं है, इतना ग्लोरियस जो डे है आज उसके, क्योंकि इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं। तो वो कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो जो है क्या है, हम उसको रिपेड भी नहीं कर सकते हैं, नेवर बी काउंटेड। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of those African patriots, patriots किसे बोलते हैं, देशभक्त, जो अफ्रीकन के जो है देशभक्त थे। तो वो कह रही कि उन लोगों के जिन्होंने क्या करा था, सेक्रीफाइस करा था, ठीक है, और उनका जो और सफरिंग और करेज और जिनके अंदर था, और मैं उनका क्या था, I was simply the sum of all those, जितने लोग थे, जितने हमारे जो हैं देश के लोग थे, जितने हमारे देशभक्त लोग थे, patriots थे, who had gone before me, और जो मेरे से मेरे साथ इकट्ठा थे, मैं उनका जो था, मेरे साथ जो है फ्रीडम के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे थे, सिंपल सा उनका कह ही मीन टू से कि जो मेरे साथ जो है गैदर्ड थे फ्रीडम दिलाने के लिए इकट्ठे हुए थे, उनमें से गॉन बिफोर मी, मेरे से पहले जो है दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ, अपनी जो है जिंदगी जो है टुवर्ड्स द नेशन के लिए दे दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, अब जो है एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और अब जो है वो लाइन जो है खत्म हो गई है, कई लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया, मेरे से पहले कर दिया, और आज वो ये ग्लोरियस डे देखने के लिए जिंदा भी नहीं है देखने के लिए, और उनकी जो है सेक्रीफाइस को हम ना रिपीट कर सकते हैं और नेवर बी काउंटेड। एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब जो है एक नया जो है इतिहास रचा गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीकन सॉइल में जो है कितने लोग जो है इंटरनेशनल पीपल जो है वहां पे गैदर्ड हुए हैं टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है नया जो है क्या है, शुरू आया है, उसका एंड हो गया, नाउ बिगिन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड, और मुझे दर्द होता है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। तो क्या बोल रहे कि वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, क्यों नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है अपना सेक्रीफाइस कर दिया है, जान दे दी अपनी, ठीक है, तो मैं जो हूँ इस एबल भी नहीं हूँ, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड वॉट एंड देट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनकी जो क्या करा था, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने देश के लिए, जो सेक्रीफाइस किया था, तो उनको जो है उनकी मैं मतलब उनकी भावनाओं को और किसी को भी जो है सेक्रीफाइस नहीं, मतलब थैंक करने कहने लाइक भी नहीं हूँ। कौन कहता है ये, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपने जो है जो लोग हमसे दूर चले गए हैं या जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है और उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी दी, और ये भी नहीं, मतलब इस समय क्या है, दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस था, कि उनकी जो सेक्रीफाइस थी, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, क्या रंग लाई है, क्या उन्होंने आज हमने अचीव करा है, वो देखने के लिए भी जो है आज वो नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों, आज हमने नेल्सन मंडेला चैप्टर पढ़ा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये उनका जो है ऑटोबायोग्राफी में से है, एक पार्ट है उसका, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने देश को जो है आजादी दिलाई है, फ्रीडम दिलाया है, और किस तरह से उनके देश के लोगों को, और उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट द विक्ट्री, दिस इज अ कॉमन विक्ट्री, कि ये जो क्या है, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, फॉर जस्टिस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने क्या, न्याय की, शांति की और मानव सम्मान की ये जीत है, और उन्होंने क्या कहा अपने देश के लोगों को कि आज वी प्लेज आर सेल्फ, कि आज जो है हम शपथ लेते हैं कि अपने देश के लोगों को जो है, जो इतने समय से जो है बॉन्डेज चला आ रहा है, जैसे पॉवर्टी का आ रहा है या डिस्क्रिमिनेशन का आ रहा है, तो उसको जो है हम डेप्रिवेशन का है, तो इसको जो है हम आज शपथ लेते हैं कि अपने देश के लोगों को जो है इनसे आजादी दिलाएंगे, और
दोबारा ये जो है हमारे देश में रिवाइव ना हो, इसके आज हम शपथ लेते हैं। तो किस तरह से वहां सेलिब्रेशन हो रहा था ये आज हमने डिस्कस करा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट्री बॉक्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।